अरे बच्चों, स्वागत है आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। आज आपकी क्लास का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल इसी यूनिट से हम लेने जा रहे हैं और वो है रेक्टिफायर। आज हम जानेंगे रेक्टिफायर क्या होता है और फिर पीएन जंक्शन डायोड को एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर की फुल स्टडी आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेक्टिफायर। प्यारे बच्चों, आपने आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे आपका फ़ोन है, उसमें चार्ज जब करते हैं तो हम एसी से चार्ज करते हैं, लेकिन वो जो डिवाइस है फ़ोन की चार्जिंग में हमें चाहिए डीसी वोल्टेज। तो एसी को जो डीसी में कन्वर्ट करता है, यानी जो चार्जर है, वो एक तरह से हमारा रेक्टिफायर ही है। आप समझ गए होंगे। और ऐसे सभी रेडियो, टीवी, मोबाइल्स, हर जगह रेक्टिफायर उस सर्किट में लगाना होता है जो एसी को यूनिडायरेक्शनल या फिर डीसी वोल्टेज में बदल सके। तो आज हम उसी की बात कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे रेक्टिफायर क्या होता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट द एसी इनटू यूनिडायरेक्शनल करंट और डीसी। देखिए, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस, कंडक्टर डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट एसी इंटू यूनिडायरेक्शनल और डीसी करंट। प्यारे बच्चों, आपने पिछले लेक्चर में हमने आपको जब पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे थे, तो हमने बताया था कि डायोड सिर्फ तभी काम करता है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, या डायोड अपने अंदर से करंट तभी अलाउ करता है जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, और जब रिवर्स बायस होता है तो कोई करंट अलाउ नहीं करता एक्सेप्ट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। डायोड की इसी करेक्टरिस्टिक्स को यूज करते हुए हम रेक्टिफायर के रूप में भी उसे यूज कर सकते हैं। हम यही यहां लिखेंगे, बिकॉज पीएन जंक्शन डायोड अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस। सो पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज एन रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड कैन बी यूज्ड एज एन रेक्टिफायर, एज इट अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो प्यारे बच्चों, इसी करेक्टरिस्टिक्स को यूज करके हम पीएन जंक्शन डायोड को एज एन रेक्टिफायर यूज कर सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसकी पूरी स्टडी करेंगे, उसका मैथमेटिकल भी और उसका सर्किट डायग्राम और उसका प्रोसीजर वगैरह सभी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएन जंक्शन डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर, अरे बच्चों, पहले हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद प्रोसीजर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, और फिर इसकी थ्योरी और कुछ जो फॉर्मूले हैं हम उनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सर्किट डायग्राम हम पहले देखिए, आप मेरे साथ साथ सर्किट बनाते रहिए, सर्किट को फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए, ये हम एक डायोड ले रहे हैं, पीएन जंक्शन डायोड इज टेकन हियर। आप खुद देखिए, ये देखिए, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है और ये डायोड है हमारा। यहाँ हम एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे और उस ट्रांसफार्मर का
ये जो मैं बना रहा हूँ ये सेकेंडरी कॉइल है, ये देखिए S1, S2 और इधर प्राइमरी कॉइल भी है, ये देखिए। ये उस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है P1, P2। एसी इनपुट जो हमें लगानी है वो इसी प्राइमरी कॉइल के अक्रॉस लगाएंगे। यहाँ आउटपुट जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम ऑब्टेन करेंगे वो लोड रेजिस्टेंस हम यहाँ लगा रहे हैं, आउटपुट हमें यहाँ मिलने वाला है आउटपुट वोल्टेज। और प्यारे बच्चों इस तरीके से ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब हम प्रोसीजर देखते हैं इसकी, मतलब ये वर्किंग, ये काम कैसे करता है। पहले अप्लाई दी एसी इनपुट एक्रॉस दी प्राइमरी क्वाइल, यही पहला स्टेप है हमारा, अप्लाई एसी इनपुट सिग्नल एक्रॉस प्राइमरी क्वाइल। अप्लाई कर दिया हमने, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए सपोज कीजिए ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल S1 बिकम, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो सपोज S1 क्या हो गया पॉजिटिव एंड विद रिस्पेक्ट टू S2, तो P पर क्या लग गया है यहां पर पॉजिटिव और N पर क्या हो गया नेगेटिव, यानी कि ये जो डायोड है ये क्या बन गया फॉरवर्ड बायस बन गया। और जब ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसमें से ये करंट फ्लो करेगा, ये कंडक्ट करेगा और करंट कुछ इस तरह से फ्लो करेगा S1 DRL लाइक दिस और S2 S1। द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस लाइक दिस, ये आउटपुट जो है हमारा यहां हमें मिल जाएगा, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस जो भी है ये मिल गया। पॉजिटिव हाफ साइकिल थी वो हमें एज सच यहां मिल गई, यानी ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। हम लोग कहेंगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट S1 बिकम्स पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू S2, सो डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू इट फ्लो थ्रू इट एच S1, पहले S1 DRL S2 S1 एंड द आउटपुट इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, आउटपुट इज ऑब्टेन्ड आप इस तरह से लिखना अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस आर। थर्ड पॉइंट में हम लोग लिखेंगे नाउ ड्यूरिंग, ये आप लिखना ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल S1 बिकम्स नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू S2, क्योंकि S1 नेगेटिव हो गया है तो P बिकम्स नेगेटिव और N बिकम पॉजिटिव, सो दिस डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड एंड इट विल रिमेन ऑफ, नो करंट इज फ्लो थ्रू द डायोड एज वेल एज लोड रेजिस्टेंस, सो नो आउटपुट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल लाइक दिस। ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप आप लिख लेना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाना। अगर आपको नोट्स इसमें चाहिए बिल्कुल जो रिटर्न में पूरा डिटेल में, क्योंकि ये पूरा लिखते हैं तो इसमें कुछ समय लग जाता है, तो आप नोट्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया आपको, अब फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे हम
कि द नेचर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट इज एज शोन. ये साइकिल रिपीट्स, फिर साइकिल आएगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमें फिर आउटपुट मिल जाएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा. ये हो गया हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट. प्यारे बच्चों, अब हम देख रहे हैं कि द नेचर ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट इज एज शोन. ये जो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर आप देख रहे हैं, ये है हाफ वेव रेक्टिफायर, यही है. इनपुट इज एज शोन, एसी इनपुट इज दिस, और आउटपुट हमें इस तरह से मिलता है. Like this. हम देख रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक और नेक्स्ट पॉइंट आप यहां लिखेंगे, फिफ्थ पॉइंट. वी नो दैट द आउटपुट इज ऑब्टेंड ओनली फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल. दैट इज व्हाई दिस रेक्टिफायर इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, व्हाई दी हाफ वेव रेक्टिफायर इज कॉल्ड सो. दी हाफ वेव रेक्टिफायर इज कॉल्ड सो बिकॉज दी आउटपुट इज ऑब्टेंड ओनली दी फॉर दी पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. अप्लाइड across the input terminal. Is as shown. ये हो गया. अब बताइए इसमें ये होता है, मान लो ये हमारा इनपुट वोल्टेज हो गया है एंड इट इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा. क्योंकि एसी सिग्नल है तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे. अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, आरएल तो क्या है, लोड रेजिस्टेंस है. और जब ये पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तब इसका कुछ तो रेजिस्टेंस होता है, तो वो दोनों हम ये लिख लेते हैं. इफ आर एल इज द लोड रेजिस्टेंस एंड आर एफ इज द डायनेमिक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ डायोड. समझते जाना, क्योंकि डायोड का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ लोड. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, टोटल रेजिस्टेंस जो हो गया अब हमारे पास वो हो गया आर एल प्लस आर एफ. अब बताइए जो आउटपुट जो है, मैं ये तो इनपुट हो गया है, ये रेजिस्टेंस हो गया इसके अक्रॉस. अब आउटपुट करंट कितना होगा, यहां से हम वो निकाल सकते हैं. Now, output current is given by, ये कितना हो जाएगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे I is equal to जो हमारा, और उसको हमने total जो resistance लगा दिया है ये आ गया है. और इसी equation को हम कुछ इस तरीके से भी लिखेंगे, root sin omega t, where I not is equal to वी नोट डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर एफ इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट. एवरेज वैल्यू ऑफ डीसी करंट, यानी कि जो ये डीसी आउटपुट हमें मिल रहा है इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है. तो वो हम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए. इसको हम इस तरह से आई एवरेज कह सकते हैं या डीसी कह सकते हैं. इट इज इक्वल टू वन बाई टी, फुल साइकिल की अगर हम बात करें, जीरो टू टी बाई टू और डीसी टी. तो यहाँ से जब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आप मेरे साथ साथ लिखते चले जाइए, जीरो टू टी बाई टू I into dt plus t by 2 to t, यानी कि पहला फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए है, फिर ये t by 2 t है, हम इसको इस तरह से लिखेंगे
I into dt. But we already know the value of I, वो भी यहाँ आप put up कर दीजिए. देखिए this comes out to be 1 by t. और ये देखिए 0 to t, I के स्थान पर हम लिखेंगे I naught sin omega t. जो input current है जो हम apply कर रहे हैं वो यही है into ये t by 2 के लिए है dt. Plus यहाँ देखिए सेकेंड हाफ साइकिल के लिए अगर हम डीसी आउटपुट की बात करते हैं तो उसमें नहीं मिलता है कुछ भी, तो ये जीरो हो जाएगा. आप इसको इस तरीके से लिख देंगे. और देखिए अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए. देखिए आई नोट तो हम बाहर लेते थे, बींग ए कॉन्स्टेंट हम इसको बाहर ले सकते हैं. और साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है कोस ओमेगा टी, माइनस साइन के साथ होगा, इसलिए हम उसको बाहर ले देते हैं. नेगेटिव साइन हमने बाहर ले लिया है. और इसमें जो लिमिट्स हैं वो लिख देते हैं डिवाइडेड बाय ओमेगा, क्योंकि जो ओमेगा का टी का कोफिशियंट है वो लिख दिया 0 टू टी बाई 2, इस तरीके से हम लिख देंगे. अब इसको थोड़ा सा इसकी जो लिमिट्स हैं वो ओपन कर देते हैं. इसको हम लिखेंगे आई नोट बाई टी. ये देखिए आई नोट बाई टी यहाँ हो गया है कोस, और ये ओमेगा जो है इसको भी हम बाहर ले लेते हैं. अब देखिए पहले इस ओमेगा के स्थान पर इस तरीके से आप लोग लिखेंगे कोस ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी, क्योंकि ओमेगा क्या होता है आप जानते हैं ना 2 पाई म्यू, और म्यू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, इसलिए हम ये लिख देंगे. और फिर इस टी के स्थान पर अपर लिमिट टी बाई 2, फिर माइनस साइन के साथ टी के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे और उसमें हम लिख देंगे कोस 0. और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. देखिए टी से टी कैंसिल हो गया है, 2 से 2 कैंसिल हो गया है, और हमारे पास अब आ गया है आई नोट नीचे टी है, और इसके स्थान पर भी हम वही ओमेगा बाई टी लिख सकते हैं. और साथ में ये देखिए कोस पाई, कोस पाई क्योंकि बाकी चीज़ कैंसिल हो गई हैं, माइनस कोस 0, ऐसे आप लिख सकते हैं. अब इनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आप देखिए टी से टी यहाँ भी कैंसिल हो गया है, माइनस आई नोट डिवाइडेड बाई 2 पाई हो गया है. यहाँ पर देखिए कोस पाई की जो वैल्यू होती है वो माइनस 1 होती है और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है. ये देखिए तो ये 2 हो गया है विद माइनस 2, तो माइनस माइनस जब हम इस डायरेक्शन में लेके आएंगे तो ये तो प्लस हो गया है आई नोट, और 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि दिस. तो दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ डी सी करंट इन दिस हाफ वेव रेक्टिफायर. इस रिजल्ट को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आई डी सी इज इक्वल टू, ये देखिए आई नोट बाई पाई. सिमिलरली अगर हम वोल्टेज की बात करें तो फिर वो वी डी सी कितना हो जाएगा वो देख लीजिए. वी डी सी दैट कम्स आउट टू बी वी नोट डिवाइड पाई. ये दोनों पॉइंट्स हमें याद रखने हैं. रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट, इसको देख लेते हैं हम प्यारे बच्चों. इसको इस तरह से लिखेंगे आई रूट मीन स्क्वायर, मैंने स्क्वायर ले लेता हूँ, मीन लेना है तो टी से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है, 0 टू टी पूरे साइकिल की मैं बात कर लेता हूँ इंटू डी टी. ये अब आई, वी नो दैट आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी. ये देखिए अब ये चीज़ हम यहाँ लिख देते हैं. हम कैसे लिखेंगे आई रूट मीन स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बाई टी. अब हम दोनों साइकिल्स के लिए बात कर रहे हैं. देखिए टी बाई 2 हाफ साइकिल के लिए ये हमें मिलता है 0 टू टी बाई 2 ही है ये, तो इसको हम लिखेंगे आई नोट साइन ओमेगा टी, क्योंकि सेकेंड हाफ के लिए हमें कुछ मिलता नहीं है. टी बाई 2 टी के लिए आउटपुट हमें मिलता नहीं है, उसको हमने यहाँ 0 ले लिया है. इसको फर्दर सोल्व कर लीजिए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे, ये देखिए स्क्वेयर्स करके हम उसका मीन लिया, अभी बाद में हम इसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे, पहले हम इसको ले कर चलते हैं. तो ये स्क्वेयर हो जाएगा और ये हो गया है. अब देखिए यहाँ से 1 बाई टी, इसको आप इस तरीके से लिखे आई नोट स्क्वेयर हम बाहर ले रहे हैं, और ये लिमिट लिखेंगे 0 टू टी बाई 2 अप, और साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के स्थान पर हम फार्मूला लिख रहे हैं 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 इंटू डी टी. ये हो गया है. उसके बाद 1 बाई टी यहाँ पर भी हम बाहर ले लेते हैं, एक एक्सप्रेशन आई नोट स्क्वेयर हमने बाहर लिया हुआ है बाई टी, और ये 2 भी हम बाहर लेते हैं क्योंकि इसके है, और फिर इस ब्रैकेट को हम ओपन करके इंटीग्रेट कर लेते हैं. जैसे 0 टू टी बाई 2 1 इंटू डी टी हो गया, यहाँ तो 1 है ना इंटू डी टी, माइनस
जीरो टू टी बाई टू, और ये लिखेंगे हम कोस टू ओमेगा टी इंटू डी टी, ये देखिए। और फिर आप इसको थोड़ा फर और कर लीजिए, आई नोट स्केयर बाई टू टी वन, इसके स्थान पर हम टी लिखेंगे और फिर लिमिट्स जब ओपन करेंगे तो यहाँ मात्र रह जाएगा टी बाई टू माइनस। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो यहाँ प्लस कर दिया और साइन टू ओमेगा टी बाई टू ओमेगा, ये देखिए। और लिमिट्स फिर हमारे पास वही है जीरो टू टी बाई टू, इसको थोड़ा और ओपन कर लीजिए। प्यारे बच्चों आप लोग देखेंगे कि ये टू टी हो गया है और ये टी बाई टू, तो यहाँ से देखिए टू ओमेगा को हम बाहर ले रहे हैं ब्रेकेट से टू ओमेगा, और इस ओमेगा के स्थान पर हम लिख रहे हैं साइन फोर पाई बाई टी इंटू टी बाई टू, ये देखिए। और टू पाई बाई टी लिखेंगे ओमेगा के स्थान पर, तो टू टू जो जब फोर पाई बाई टी हो गया है इंटू टी बाई टू, और फिर माइनस साइन के साथ जीरो, ये देखिए। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब जैसे टू से ये टू टू जब फोर हो गया, टी से टी कैंसिल, अब साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और साइन फोर टू पाई की वैल्यू भी जीरो होती है, इसलिए ये टर्म तो क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी मेरे बच्चों। और यहाँ से देखिए टी से टी यहाँ कैंसिल हो गया है, अब हमारे पास ये जो आई रूट मीन स्केयर वैल्यू आप देख रहे हैं, इसका जो स्केयर है वो आ गया है आई नोट स्केयर बाई फोर। देखो आई नोट स्केयर और नीचे टू टू जा फोर, ये टर्म तो पहले ही जीरो हो चुकी है, तो फिर यहाँ अब हम स्केयर रूट ले लेते हैं, क्योंकि हमें स्केयर्स तो ले लिया है उसका मीन, अब हम रूट और ले लेते हैं, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी आई रूट मीन स्केयर इट इज इक्वल टू आई नोट बाई टू, ये हो गया। प्यारे बच्चों ये एक और टर्म आपके पास पता चल गई है। इसी तरीके से अगर हम वोल्टेज में निकालें तो वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वी रूट मीन स्केयर एंड दैट विल बी इक्वल टू वी नोट बाई टू। इनको नोट कर लीजिएगा, इनको हम आगे चल के यूज करने वाले हैं। गिवन टू रेक्टिफायर या अप्लाई टू रेक्टिफायर, और वो पावर एसी पावर है, और आप बता सकते हैं वो कितनी होगी, आप जानते हैं पावर का फार्मूला आई स्क्वायर आर होता है, तो एसी पावर जो हम इसको अप्लाई कर रहे हैं, जो हम इसको दे रहे हैं, वो देखिए कितनी होगी, हो जाएगी आई रूट मीन स्केयर स्केयर और आर। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इस केस में, ये टोटल रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं आर एल प्लस आर एफ। आर एफ मैंने पहले ही बताया था, इट इज़ दी डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड व्हेन इट इज फॉरवर्ड बायस्ड। और ये रूट मीन स्केयर वैल्यू, इसकी वैल्यू हम पहले से जानते हैं हमारे पास है, तो वो चीज़ आप यहाँ रख सकते हैं, इट इज इक्वल टू आई नोट स्केयर डिवाइड बाई फोर इंटू आर एल प्लस आर एफ। ये तो इनपुट पावर हो गई है टू दिस रेक्टिफायर। हम अब आउटपुट पावर की बात कर लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट ये तीन चीज़ें थी, नेक्स्ट चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं आउटपुट पावर ऑफ रेक्टिफायर, पावर ऑफ रेक्टिफायर, यानी कि ये पी डी सी भी कह सकते हैं, इट इज़ द पावर विच इज ऑब्टेंड अक्रॉस दिस लोड रेजिस्टेंस एंड इट विल कम्स आउट टू बी, कितनी होगी देख लीजिए आप ये हो जाएगी आई डी सी स्क्वेयर इंटू लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि उस केस में रेजिस्टेंस जो है वो आर एल है लोड रेजिस्टेंस। अब पुट दिस वैल्यू ऑफ आई डी सी फ्रॉम दिस इक्वेशन, वी कैन राइट हियर दैट इट इज इक्वल टू आई नोट स्क्वेयर बाई पाई स्क्वेयर इंटू आर एल, ये देखिए हमने ये रख दिया है आई नोट बाई पाई ही है ये। अब हमारे पास इनपुट पावर भी है, हमारे पास डीसी जो आउटपुट पावर वो भी है, तो यहाँ से हम अब एफिशिएंसी ऑफ द रेक्टिफायर भी निकाल सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट चीज वही है एफिशिएंसी ऑफ रेक्टिफायर। ये जो हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, द एफिशिएंसी को हम इस तरह से लिख रहे हैं कि आउटपुट पावर यानी कि जो डीसी पावर है वो और इनपुट एसी पावर जो है वो और मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये परसेंटेज में आ जाएगी। व्हाट इज़ पी डी सी, मैं इसको यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये हमारी डीसी पावर है, मैं थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहाँ पर देखिए एफिशिएंसी ये आ जाएगी, इट इज इक्वल टू पी डी सी, दिस इज दैट आई नोट स्केयर
बाई पाई स्क्वेयर और इंटू आर एल, ये तो आउटपुट पावर होगी। और इनपुट पावर हमने ये पहले से ही पता है, आई नोट स्क्वेयर बाई फोर इंटू आर एल प्लस आर एफ मल्टीप्लाई बाई 100, अगर हम इसे परसेंटेज में निकाल रहे हैं। अब देखिए जो चीज़ इसमें कैंसिल होती है वो कैंसिल कर दीजिए, आप खुद ही देखिए यहाँ पर दिस इज इक्वल टू आई नोट स्क्वेयर से आई नोट स्क्वेयर तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 4 बाई पाई स्क्वेयर, और साथ में ये है आर एल डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एफ, ये आई रहा है टर्म के साथ साथ, और ये मल्टीप्लाई बाई 100। ये देखिए ये एफिशिएंसी अब हमारी आ जाएगी एफिशिएंसी ऑफ कार्म। इसको जब हम सोल्व करेंगे 4 बाई पाई स्क्वेयर को और 100 से मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 40.6, और ये लगभग कितना है आर एल अपन आर एल प्लस आर एफ। और आप सभी जानते हैं कि जब पीएन जंक्शन डायोड 4/24 होता है तो जंक्शन रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो आर एल से आर एल कैंसिल हो जाएगा और ये लगभग जो है हमारे पास जो आ रहा है वो 40.6% एफिशिएंसी जो है हाफ वेव रेक्टिफायर की आ जाती है। रिपल फैक्टर, प्यारे बच्चों एक और टर्म हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछी जाती है, रिपल फैक्टर्स क्या हैं। आप देख रहे हैं जो हमारा रेक्टिफाइड आउटपुट है ये हम कह तो ये रहे हैं कि इट कन्वर्ट दी एसी इनटू डीसी, बट ये जो आउटपुट है ये प्योर डीसी नहीं है, इसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी है, कुछ फ्लक्चुएशंस भी हैं, उन फ्लक्चुएशंस को मेजर करता है रिपल फैक्टर। यानी हम यही कहना चाह रहे हैं कि द रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर इज नॉट प्योर डीसी, इट कंटेन्स सर्टेन द एसी कंपोनेंट आल्सो और सर्टेन फ्लक्चुएशंस, दीज फ्लक्चुएशंस आर मेजर्ड बाय द टर्म रिपल फैक्टर एंड मैथमेटिकली रिपल फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट एंड द एवरेज डीसी वैल्यू इन रेक्टिफाइड आउटपुट। इस तरीके इट इज डिनोटेड बाई आर, यू कैन से दैट इट इज इक्वल टू, मान लो कि इसमें जो रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू एसी कंपोनेंट आप देख रहे हैं फ्लक्चुएशंस जो है वो कितना है, वो आर रूट मीन स्क्वेयर ये है डिवाइड बाई आई डी सी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो इनपुट एसी वोल्टेज जो हमने लगाई है उसका कुछ पार्ट इसमें एसी कंपोनेंट के रूप में है और कुछ डीसी के रूप में है, तो आप ये चीज़ यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए एज आई स्क्वेयर इट इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वेयर डैश का स्क्वेयर प्लस आई डीसी का स्क्वेयर। यहाँ से हमें क्योंकि ये रूट मीन स्क्वेयर कंपोनेंट जो एसी में है ये तो टोट इनपुट में है, लेकिन इनपुट में ये जो आउटपुट का पार्ट है एसी कंपोनेंट ये वो है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए आई रूट मीन स्क्वेयर का डैश का स्क्वेयर इट इज इक्वल टू द आई रूट मीन स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस आई डीसी, ये हो गया है, इसका भी स्क्वेयर हम लोग कर सकते हैं। नाउ पुट दिस वैल्यू, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसकी पावर 1/2 ले लेते हैं तो स्क्वेयर रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट द रिएक्टिव रिपल फैक्टर, इन दिस इक्वेशन आप इसको रख दीजिए। देखिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर आर इट इज इक्वल टू, आप देख रहे हैं कि ये है हमारे पास आई स्क्वेयर रूट मीन स्क्वेयर माइनस आई डी सी का स्क्वेयर,
और ये जो नीचे आप देख रहे हो आईडीसी, इसका भी हम स्केयर कर देते हैं, आईडीसी का स्केयर, और पूरे की ही पावर जो है 1/2 कर देते हैं, क्योंकि ये पहले क्या थी, सिर्फ हमने इसकी पावर थी, क्योंकि नीचे इसको, तो इसको भी स्केयर लेके उसकी पावर कर दिया है। इसको फर्दर थोड़ा सोल्व कर दीजिए, वी कैन राइट हियर दैट दिस आर इज इक्वल टू, आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, आई रूट मीन स्केयर का स्केयर डिवाइड बाई आई डी सी का स्केयर माइनस वन, आप इसको कुछ इस तरीके से लिख देंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट और डीसी, इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास है, ये देखिए आईडीसी है और ये है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो इनकी वैल्यूज को हम यहाँ रख देते हैं, ये देखिए इनको हम रखेंगे आई नॉट स्क्वायर बाई फोर डिवाइडेड बाई आईडीसी के स्थान पर हम ये लिखेंगे जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, और वो है आई नॉट स्क्वायर और डिवाइडेड बाई पाई का स्क्वायर और माइनस वन, और पावर्स आप देख ही रहे हैं ये 1/2 है, और इसको जब हम आई नॉट स्क्वायर से आई नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई फोर माइनस वन, और फिर इसका रूट लेते हैं 1/2, तो ये लगभग जब इसको हम फर्दर सोल्व कर देंगे तो ये लगभग आता है, सोल्व करने के बाद आप सोल्व करके देख लीजिएगा, ये आर इतना आता है। यानी कि एक तरीके से हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो रिपल फैक्टर होता है वो होता है आई रूट मीन स्क्वायर और आई डी सी, और ये हमारे पास कितना आ गया है आप खुद देख रहे हैं, ये लगभग है 1.21। तो फिर यहाँ से हमें क्या पता चला कि आई रूट मीन स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1.21 इंटू आई डी सी, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में जो एसी कंपोनेंट होता है वो डीसी कंपोनेंट से कहीं ज्यादा है। रिपल फैक्टर ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर इज 1.21 एंड दिस शोज दैट इन रेक्टिफाइड आउटपुट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर हैव मोर एसी कंपोनेंट देन डीसी। पीक इनवर्स वोल्टेज, इस टर्म को भी आप देख लीजिए क्या है, इट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अप्लाइड एक्रॉस डायोड इट इज नॉट कंडक्टिंग, तो प्यारे बेटो पीक इनवर्स वोल्टेज ये हमें टर्म याद रखनी है, इट इज इक्वल टू दिस वोल्टेज रेगुलेशन भाई, तो ये इसको हम क्या लिखें, आप कुछ तो इस तरह से कह सकते हैं द वेरिएशन इन डीसी लोड वोल्टेज विद द वेरिएशन इन डीसी करंट इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन, ऑफ रेक्टिफायर घर में जो हम लोग जानते हैं कि आईडीसी क्या होता है, ये देखिए आपके सामने आईडीसी ये हमने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है आई नोट डिवाइड बाई पाई, बट आई नोट किसके बराबर है वो लिख दीजिए, अब आप देखिए आई नोट इज इक्वल टू
वी नोट डिवाइड बाई आर एल प्लस आर एफ बाई पाई। और यहां से हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, आई डी सी ये दोनों टर्म चीजें आ जाएंगी मल्टीप्लाई बाई आर एल प्लस आर एफ, और इधर रह जाएगा ये वी नोट बाई पाई। आप खुद देखिए इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आई डी सी इंटू आर एल प्लस आई डी सी इंटू आर एफ। अब ये देखिए जो आई डी सी इंटू आर एल है इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं वी डी सी, जिसमें हमें वेरिएशन को देखना है, एंड इट इज इक्वल टू वी नोट डिवाइड बाई पाई। आप देखिए इसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, माइनस आई डी सी इंटू आर एफ। और आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आई डी सी यानी डी सी लोड जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो आउटपुट डी सी वोल्टेज है वो डिक्रीज कर रही है लीनियरली, डिपेंड करता है कि हमारा डायनेमिक फॉरवर्ड रजिस्टेंस कितना है, यानी कि हम लोग कर रहे हैं दी वी डी सी डिक्रीजिस विद इंक्रीजिंग दी आई डी सी लीनियरली डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर एफ डायनेमिक फॉरवर्ड जंक्शन रेजिस्टेंस ऑफ दिस डायोड। ये देखिए इफ आई डी सी इज टेकन जीरो, मान लो ये जीरो है, देन वी डी सी विल बी जो डायरेक्ट ये आ जाएगा ये इस फार्मूले के मुताबिक कितना हो जाएगा वी नोट अपॉन पाई, ये मैक्सिमम हो गया। देखिए बेटे परसेंटेज ऑफ रेगुलेशन इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं वी नो लोड, जब इसके ऊपर कोई लोड ही नहीं लगाया तो उस समय माइनस वी लोड डिवाइडेड बाय वी लोड और मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा बेटे। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपने देखा, थोड़ा सा लेक्चर लेंदी जरूर हो गया है, लेकिन हमने बहुत सी टर्म्स रिलेटेड टू पीएन जंक्शन डायोड एज एन हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा है। शुरुआत हमने पीएन जंक्शन डायोड हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम से किया, इसकी वर्किंग को समझा, और उसके बाद जो रिलेटेड टर्म्स थी जिनका बहुत बार पूछा जाता है, जिनके बारे में आपके एग्जाम्स में आपके कम्पिटिव एग्जाम्स में, तो उनके बारे में भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से धीरे धीरे आपको देखना चाहिए था, अगर कोई टर्म नहीं समझ में आई है तो एक बार फिर से इसको देखिए और अपनी नोट्स को डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो जो कुछ मैंने यहाँ लिख रहा हूँ बिल्कुल इसी सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटन नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपके पूरे सिलेबस के। तो प्यारे बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसके जैसा ही, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन डायोड एज एन फुल वेव रेक्टिफायर। और आपसे फिर एक बात, जो स्टूडेंट्स हम नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि आपको समय रहते नोटिफिकेशन मिल जाए। जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब किया है मैं उनका थैंक्स करना चाहूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू वेरी मच।